और बिहार के दरभंगा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर जीतन सैनी हत्याकांड में पुलिस का खुलासा। आपको बता दें कि पुलिस ने चार लोगों को हिरासत में ले लिया है। सीसीटीवी से चारों आरोपी की पहचान हुई थी। जीतन सैनी से दो लोगों ने पैसे जो है उधार लिए थे और पैसे के बदले जो है जीतन सैनी ने बाइक गिरवी रखी थी। बाइक छुड़ाने देर रात चार लोग पहुंचे थे और दो दिन पहले जीतन सैनी से कहासुनी हुई थी। दोनों ने जीतन सैनी को धमकी भी दी थी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, ये बड़ी अपडेट है इस पूरे मामले में, जहां पर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है इस पूरे मामले में। और बिहार के दरभंगा से ये अपडेट है, जहां पर जीतन सैनी हत्याकांड में पुलिस ने ये बड़ा खुलासा किया है, ये बड़ी अपडेट आपको दे रहा है। बाइक छुड़ाने देर रात जो है चार लोग वहां पर पहुंचे थे और दो दिन पहले जीतन सैनी से कहासुनी हुई थी। अब इस पूरे मामले में गिरफ्तारी भी हुई है। मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि इस पे खुद ही संज्ञान लेते हुए जो दोषी है उसको सजा दी जाए। विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी प्रमुख मुकेश सैनी के पिता की हत्या से बिहार में सियासी हड़कंप मच गया है। सोमवार की देर रात दरभंगा के बिरौल थाना क्षेत्र के सुपौल बाजार में इस बेहद से साधारण घर में अकेले सो रहे 70 साल के जीतन सैनी को बदमाशों ने धारदार हथियार से बेरहमी से मौत की नींद सुला दिया। मंगलवार की सुबह गांव वालों ने जब ये मंजर देखा तो सभी के होश उड़ गए। मामला मुकेश सैनी के पिता की हत्या का है, तो दरभंगा से लेकर पटना तक पुलिस प्रशासन फौरन हरकत में आ गया। सबसे पहले दरभंगा पुलिस की ओर से जांच शुरू की गई। शुरुआती जांच में पुलिस को अहम सुराग भी मिले। वारदात वाले कमरे में तीन खाली ग्लास मिले। घर के पीछे फेंका हुआ लाल रंग का अलमीरा भी मिला, जिसमें कुछ अहम कागजात थे। जैसे कि ये घटना बहुत ही दुखद भी है और बहुत ही संवेदनशील मामला भी है, इसलिए हम लोग यहाँ स्वयं कैंप किए हुए हैं। हर एक चीज को हम लोगों ने बहुत बारीकी से देखा है। सुबह से यहाँ FSL की टीम और डॉग स्क्वाड की टीम भी काम कर रही है। कई महत्वपूर्ण जानकारियां हम लोगों को मिली हैं, उस पर काम किया जा रहा है। मुकेश सैनी के पिता की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो संदिग्ध को घर के आसपास लगे CCTV फुटेज के आधार पर हिरासत में ले लिया। इससे पहले पुलिस ने खाना बनाने वाली महिला और दूध वाले को हिरासत में लिया था। संदिग्धों से कड़ी पूछताछ की जा रही है। आसपास के CCTV फुटेज और मोबाइल टावर का भी हम लोग अवलोकन कर रहे हैं। CCTV फुटेज के अवलोकन के बाद दो संदिग्धों को वहां से डिटेन कर उनसे पूछताछ की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। पुलिस की ओर से SIT का भी गठन किया गया है। इस टीम को लीड कर रही दरभंगा के ग्रामीण SP काम्या मिश्रा ने दावा किया कि पुलिस को जांच में कई सबूत हाथ लगे हैं। हर एंगल से जांच जारी है, जल्द मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। हमारे पास जो है काफी सारे एविडेंसेस जो है अभी हमारे हाथ लगे और अब उसको लेकर के हम लोग अगर कुछ अगर आपसे अगर लेन देन का मामला हो या किसी भी चीज का मामला हो तो सारे एंगल्स पे जांच चल रही है। किसी भी चीज को हम लोग अभी से नकार नहीं रहे, हम सारे एविडेंसेस को सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए सारे पॉइंट्स पे हम लोग काम कर रहे हैं। चोरी लूट सहित कई एंगल से पुलिस इस हत्याकांड की जांच कर रही है। पेट और हाथ पर कई बार चाकू से वार किया गया है। हालांकि मर्डर वेपन पुलिस को अब तक नहीं मिला, पर जो सवाल पुलिस या जांच के दौरान उठ रहे वे ये कि क्या है कमरे में तीन खाली ग्लास का राज। ग्लास का इस्तेमाल करने वाले तीन लोग कौन थे? घर में जो घुसे थे क्या वो जान पहचान वाले थे? क्या लाल बक्से में छिपा है मौत का राज? खाना बनाने वाली महिला दूध देने वाले पर शक क्यों है? इन तमाम सवालों के जवाब जल्द मिलने का पुलिस ने दावा किया। News18 के लिए दरभंगा से विपिन दास, पटना से शैलिन, अमित और संजय कुमार की रिपोर्ट। और ट्रेनी IAS अधिकारी पूजा खेडकर के पिता महाराष्ट्र एंटी करप्शन ब्यूरो के रडार पर है। दरअसल पूजा खेडकर के पिता दिलीप खेडकर की बेहिसाब प्रॉपर्टी की रिपोर्ट ACB ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों के पास भेजी है। ACB को शक है कि दिलीप खेडकर ने गैर कानूनी रास्ते से करोड़ की संपत्ति बनाई है। दिलीप खेडकर के खिलाफ शिकायत मिलने के बाद ACB ने यह रिपोर्ट तैयार की है और अपने वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा है।
और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती के बयान जो है महाराष्ट्र की सियासत में घमासान, उसके बाद से उनके बयान के बाद छड़ गया है, राजनीति और तेज हो गई है। शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कल उद्धव ठाकरे से उनके घर पर मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो विश्वासघात करे वो हिंदू नहीं हो सकता है। देखिए रिपोर्ट। शंकराचार्य के बयान पर महाराष्ट्र में घमासान, उद्धव से मुलाकात के बाद विश्वासघात की बात। बड़ा सवाल, महाराष्ट्र में किसने किया विश्वासघात? महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के पहले उद्धव ठाकरे से मुलाकात और मुलाकात के बाद शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती का, जो हिंदू है वो विश्वासघात नहीं कर सकता और जो विश्वासघात करता है वो हिंदू नहीं हो सकता है वाले बयान ने महाराष्ट्र की सियासत में घमासान मचा दिया है। बीते रोज शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने मातोश्री पहुंचकर उद्धव ठाकरे से मुलाकात की थी और इस मुलाकात के बाद शंकराचार्य ने जो कहा उससे महाराष्ट्र की सियासत में बवाल आ गया। पहले आप शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती का बयान सुनिए, फिर आपको आगे का घमासान भी दिखाते हैं। आपके जो उद्धव ठाकरे जी हैं, इनके साथ विश्वासघात हुआ है और इसी बात की पीड़ा बहुत सारे लोगों के मन में है। हमने उनसे ये कहा है कि हम सबके मन में इस बात की पीड़ा है कि आपके साथ विश्वासघात हुआ। जब तक पुनः महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आप विराजमान नहीं हो जाते, तब तक हम लोगों के मन का ये जो दर्द है, ये पीड़ा है, ये दूर नहीं हो सकती है। विश्वासघात करे वो हिंदू नहीं हो सकता है, जो विश्वासघात सह ले वो तो हिंदू होगा क्योंकि उसके साथ विश्वासघात हुआ है। शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती के बयान पर पहला पलटवार शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने किया। संजय निरुपम ने एक्स पर लिखा, जगत गुरु शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद जी धार्मिक कम राजनीतिक ज्यादा हैं। उन्हें शिवसेना के अंदरूनी विवाद पर बोलने से बचना चाहिए। संजय निरुपम ने लिखा कि ये शंकराचार्य को शोभा नहीं देता, कौन सीएम बनेगा और कौन नहीं ये जनता तय करेगी, शंकराचार्य नहीं। इसके साथ ही शंकराचार्य के बयान पर कल की पीठाधीश्वर और पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने छत्रपति शिवाजी और बाला साहेब की विचारधारा से विश्वासघात किया उनके लिए शंकराचार्य जी क्या कहेंगे। पूज्यपाद शंकराचार्य जी को जरूर बताना चाहिए कि जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा के साथ विश्वासघात किया है उस पर क्या कहा जाएगा। जिन्होंने सनातन की और हिंदुत्व की विचारधारा के साथ विश्वासघात किया है उस पर क्या कहा जाएगा कि राष्ट्र बड़ा है या राजनीति, सनातन बड़ा है या सियासत। जिन्होंने भारत माता के साथ विश्वासघात किया हो उस पर क्या कहा जाए। शंकराचार्य जी ने कहा कि उद्धव ठाकरे जी के साथ घात विश्वासघात हुआ है और इस प्रकार के विश्वासघात को हिंदू धर्म में स्थान नहीं है। उनकी पार्टी को तोड़ा गया, उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, ये एक प्रकार से विश्वासघात है। क्या बोलता है क्या है उस बारे में मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। हालांकि ये पहली बार नहीं है, शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती पहले भी अपने कई बयानों को लेकर सुर्खियों में रह चुके हैं, लेकिन इस बयान का महाराष्ट्र की राजनीति और आने वाले चुनावों पर क्या असर होगा ये देखने वाली बात होगी। और पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है। खबर यह है कि चोरी के एक आरोपी को जब पुलिस पकड़ने पहुंची तो वह घर में मौजूद सुरंग के रास्ते बांग्लादेश भाग गया। दावा यह किया जा रहा है कि आरोपी सद्दाम सरदार के घर एक अंडरग्राउंड कमरा है जिसका दूसरा सिरा घर के पीछे मौजूद नहर से जुड़ा हुआ है। इसी नहर के पार भारत बांग्लादेश इंटरनेशनल बॉर्डर है और दावा यह किया जा रहा है कि इसी रास्ते से सद्दाम सरदार नाम का चोर बांग्लादेश फरार हो गया।
दरअसल ये मामला नकली सोने की मूर्तियों की खरीद और 12 लाख की ठगी से जुड़ा हुआ है। इसी सिलसिले में पुलिस ने आरोपी सद्दाम को सोमवार को गिरफ्तार किया था, लेकिन स्थानीय लोगों की भीड़ ने पुलिस पर हमला बोल दिया, जिस वजह से सद्दाम मौके से फरार होने में कामयाब रहा। कुछ देर बाद जब पुलिस की एक बड़ी टुकड़ी को सद्दाम की गिरफ्तारी के लिए उसके घर भेजा गया तो पुलिस सुरंग देख करके हैरान रह गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी की पत्नी और उसके भाई की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। जमीन में गड़ा हुआ खजाना मिल जाए, ये ख्याल सबको लुभाता है। दुनिया भर में तो कई लोग गैरकानूनी तरीके से खजाने की खोज भी करते हैं। पन्ना में भी ऐसा ही मामला सामने आया है। यहाँ खजाना ढूंढने के चक्कर में बदमाशों ने गुप्तकालीन मंदिर की नींव तक खोद दी। इसी पर देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। खजाने की खोज, रंग महल दिया खोद, गुप्त काल की धरोहर, चोरों की नजर। गुप्तकालीन धरोहर है पन्ना के अजयगढ़ कस्बे में स्थित प्राचीन रंग महल मंदिर। ऐतिहासिक अजयपाल के किले में बना ये मंदिर खतरे में है। मंदिर को खतरा खजाने की तलाश करने वालों से है। मंदिर में गड़ा धन खोजने के लिए पहले भी बदमाशों ने यहां खुदाई की है, लेकिन इस बार तो खजाने के लालच में मंदिर की नींव के पत्थरों को ही खोद कर निकाल दिया। ये तस्वीरें देखिए, मंदिर के बाहर पत्थर और मिट्टी का ढेर लगा हुआ है, ये मंदिर की नींव से निकाला गया है। ये मंदिर एएसआई के अधीन है, एएसआई इसकी देखरेख और सुरक्षा करती है, लेकिन प्राचीन मंदिर की सुरक्षा किस तरह की जा रही है ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। मंदिर में गड़े धन की लालच में कई बार खुदाई की गई है, लेकिन ज्यादातर मामले रफा दफा कर दिए जाते हैं। लेकिन अब तो मंदिर पर ही खतरा मंडराने लगा है। अनमोल धरोहर की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मंदिर में खुदाई से हड़कंप मचा है। थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। अजयगढ़ थाना अंतर्गत जो अजयपाल का किला है उसी में एक गुप्तकालीन मंदिर है, और मंदिर परिसर के पीछे जो खुला मैदान है, जो हालांकि पूरा कैंपस जो है वो एएसआई के अंडर में आता है, और वहां पर कुछ लोगों द्वारा अवैध उत्खनन किया गया था। तो जब इस प्रकार का आवेदन स्तर पर निपटेगी, ऐसी कौन सी है जो संभाग स्तर पर निपटेगी, और ऐसी कौन सी है जो जिला स्तर पर धरातल पर आएगी, और ऐसी कौन सी लॉन्ग टर्म की है जिसमें केंद्र सरकार के सहयोग की भी आवश्यकता रहेगी। उदाहरण के लिए 8 जो ग्रीन कॉरिडोर दिए हैं, जिसमें 2 अपने पास आएंगे, एक फलोदी जो जयपुर से फलोदी जाएगा और एक जयपुर से जोधपुर आएगा। इन ग्रीन कॉरिडोर बनने के बाद मेरा ऐसा मानना, जैसा मैंने सभी अधिकारियों से वार्ता की, जोधपुर से जयपुर लगभग 3 घंटे में दूरी पूरी हो जाएगी। लगभग 3 का 3.5 भी हो सकता है, आप रुक जाएं तो 5 घंटे भी हो सकते हैं, लेकिन अगर एक स्पीड से चले तो लगभग 3 घंटे में दूरी हो जाएगी, कोई हैंडल नहीं रहेगा। तो ऐसे जो है इसके लिए केंद्र सरकार भी जरूरत है, और इसकी आप कहेंगे कि इतना पैसा कभी मैं आपसे गुंजाइश नहीं करूंगा, इतना वित्तीय बजट कहां से आएगा, वित्तीय प्रबंधन कैसे होगा, तो ये होते ही मुख्यमंत्री जी अपनी पूरी टीम को लेकर के, विभाग की पूरी टीम, पीडब्ल्यूडी विभाग की पूरी टीम को लेकर के। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। नमस्कार।